हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू वोकैबुलरी। आज 15 जुलाई के वोकैबुलरी वर्ड हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड है कल्मिनेशन, जो नाउन है जिसका मतलब होता है द हाईएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग, चरम बिंदु पर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सफरेज, जो नाउन है जिसका मतलब होता है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, मताधिकार। मताधिकार का मतलब आप लोग भली बातें समझते होंगे। नेक्स्ट है यरीली, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है डरते हुए, इन ए स्ट्रेंज एंड फ्राइटेंड मैनर। नेक्स्ट है बलवार्क, नाउन है ए डिफेंसिव वॉल, मतलब कि वो ऐसा चीज जो आपको सुरक्षा प्रदान करे, डिफेंस करे। नेक्स्ट है टिंकर, जो वर्ब है, इसका मतलब है अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन ए कैजुअल वे, मतलब कि किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना नॉर्मल तरीके से। एक एक्रीव वर्ब है, जिसका मतलब होता है एक्युमुलेट और रिसीव, मतलब उपार्जित करना, पेमेंट और बेनिफिट ओवर टाइम, किसी भी चीज़ का उपार्जित करना मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट है सीपेज, नाउन है जिसका मतलब होता है लीकेज या रसाव। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, सॉरी नेक्स्ट पेज ऊपर रह गया है। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है वॉक विथ स्टिफ या इरेक्ट एंड अपेरेंटली एरोगेंट, अकड़कर चलना, मतलब गुरूर में चलना। नेक्स्ट है फ्रेट, वर्ब है इसका मतलब होता है बी कॉन्स्टेंटली और विजुअली एनेक्सियस, चिरचिराना। नेक्स्ट है स्टैब, नॉन है एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कोई भी काम करने के लिए अटेम्प्ट लेना। नेक्स्ट है डिस्क्रिशन, नाउन है जिसका मतलब जजमेंट और प्रिफ्रेंस। नेक्स्ट है कैस्टिगेट, जो वर्ब है इसका मतलब होता है रिप्राइम्ड सेवरली, तिरस्कार करना, अवहेलना करना। आफ्टर मीथ, नाउन है जिसका मतलब होता है द कंसिक्वेंस ऑफ ए सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट इवेंट, परिणाम, मतलब कोई भी इवेंट होने के बाद जो परिणाम मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर मीथ। वर्बेटिम, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह वर्क करता है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड आर एज बेयर यूज्ड ओरिजिनली, शब्दशः, मतलब सेम वर्ड्स यूज करना किसी भी वर्ड के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें।